गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय चल रहा है गद्य खंड से, जो प्रथम अध्याय है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित ये जो कहानी के रूप में ये अध्याय है, ठीक है। अभी तक हम इस अध्याय से संबंधित यानी कि प्रकाश जी का जीवन वृतांत जान चुके हैं, इस अध्याय का सारांश जान चुके हैं, इस अध्याय का उद्देश्य क्या है ये सभी बातें जान चुके हैं। यानी कि इस अध्याय का पृष्ठ नंबर एक कर चुके हैं। पृष्ठ नंबर दो पे आ जाइए, यहां से शुरू करेंगे। पेन पेंसिल साथ में रखना। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, यहां से शुरू करेंगे। वैसे तो ये पंक्तियां पढ़ चुके थे लेकिन पुनः देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय में ये प्रत्यय है, सराहना मूल शब्द है, ठीक है भाई। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। अब क्या अंतर दिखाई दिया वो जानिएगा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। चौकोर का मतलब क्या है? चौकोर का मतलब होता है चार कोनों वाला, यानी कि वर्गीकार। मैथमेटिक्स के अनुसार चले तो वर्गाकार, ठीक है। चौकोर, चौकोर में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास है, ठीक है। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। और अब जब दूसरी बार उन्होंने उस चश्मे में अंतर देखा, मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था तो उसमें अंतर नजर आया चश्मे में, तो दूसरी बार हालदार साहब को कैसा चश्मा दिखाई दिया? गोल चश्मा, यानी कि तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया, ठीक है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। कौतुक होता है कुछ जानने की लालसा पैदा करना। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। यानी कि ये बात क्यों कही हालदार साहब ने? वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ये बात इसीलिए कही क्योंकि उस मूर्ति पर क्या था, बार बार चश्मे बदले जाते थे, प्रतिदिन उस पर कोई ना कोई नया चश्मा लग जाता था। अब ये कोई ना कोई नया चश्मा क्यों लग जाता था? क्योंकि जो कैप्टन था वो कैप्टन क्या करता था, वो लंगड़ा था और फेरी लगाया करता था और अपने साथ में एक डंडा रखता था, उस पे अलग अलग रंग के चश्मे टांग कर रखता था। और वो अपनी तरफ से क्या करता था, वो अपनी तरफ से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ होता, उसे उस चश्मे को जो कोई भी पसंद करता, जो कैप्टन था, वो उसे उतार कर उसे दे देता था और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता था, ठीक है। तो इस तरह से ये उस कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। महापुरुषों के प्रति जो मान सम्मान था वो एक प्रतीक है कैप्टन कि उन्होंने भी महापुरुषों का मान सम्मान किस रूप में किया है, कैसे किया। भले वो किसी सेना का सैनिक नहीं था, किसी सेना में तैनात नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक सैनिक करता है, जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसका जो कर्तव्य बनता था उस कैप्टन का, वो उसने बखूबी निभाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बात कही है, वाह भाई क्या आइडिया है,
मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ये बात इसी रूप में कही गई है, क्योंकि हालदार साहब को, हालदार साहब जब कभी भी उस चौराहे से गुजरते तो हालदार साहब को हर बार कोई ना कोई नया चश्मा, नए रंग रूप में कोई नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर देखने को मिलता था। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। क्या आदत पड़ चुकी थी हालदार साहब की, पहले तो वो चौराहे पर रुकते नहीं थे, फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने प्रतिमा की ओर देखना शुरू किया तो रुकना शुरू कर दिया, और उस पे फिर अलग अलग प्रकार के चश्मे वो जैसे देखते थे, तो क्योंकि उनके हालदार साहब के मन में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, वो भी महापुरुषों का मान सम्मान करते थे। ठीक है, तो आगे चलिए। पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतूहल दुर्दमन्य हो उठा तो पान वाले से ये पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, प्रश्नशैली है दुर्दमन्य। सबसे पहले तो इस शब्द के टुकड़े करके देख लीजिएगा, दूर उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है इसमें, दूर, और दमन मूल शब्द है, दमन क्या है इसमें, मूल शब्द, दमन का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, दबाना, और ये इसमें क्या है, ये इसके अंदर प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय, तो तीन शब्दों के योग से बन गया दुर्दमन्य, यानी कि इसका जो वास्तविक अर्थ हो गया, इसका वास्तविक अर्थ बन जाएगा जिसे दबाना कठिन हो, जिसे दबाना कठिन हो। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। इस प्रकार से ये थोड़ा जो ग्रामर पोर्शन है ना, ये करते जाना साथ के साथ में। ठीक है भाई, आगे फायदेमंद होगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार है ना एग्जामिनर क्या करता है, ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो अध्याय है या कविता, उन्हीं में से ग्रामर पोर्शन बना के दे देते हैं, उन्हीं में से ग्रामर के जो सवाल है वो बनाकर आपके समक्ष आपके पेपर में डाल देते हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा। क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हालदार साहब जी। ठीक है, अब आगे देखिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, किसे सवाल किया था, ये किया था पान वाले से, किसने, हालदार साहब ने, किस संदर्भ में, नेताजी की प्रतिमा पर जो हर बार चश्मा बदल जाता था उस संदर्भ में। ठीक है भाई, आगे चलेगा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज क्या होता है, खुश रहने वाला। अब ये जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, इस पंक्ति में क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी कि पान वाले के अगर व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाए, पान वाले का व्यक्तित्व बताइए, पान वाले का करैक्टर बताइए, चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए, तो ये बातें आप पान वाले के चरित्र चित्रण में, उनके व्यक्तित्व में लिख सकते हो। ठीक है, ये जो अभी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, खुश मिजाज लिख चुके हो, खुश मिजाज का अर्थ क्या है, खुश रहने वाला, कौन था खुश रहने वाला, पान वाला। आगे चलिएगा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह है आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। तोंद क्या होती है, तोंद का मतलब होता है पेट, तोंद का मतलब क्या होता है, पेट, जिसके जिसका पेट बाहर निकल जाता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है, उसको तोंद बोलते हैं, तोंद वाला बोलते हैं। थिरकना, थिरकने का मतलब होता है हिलना, थिरकने का मतलब होता है हिलना। जैसे WWE की फाइट में देखते हो, कई बार वो पूरे बारी बारी से, वो चाइनीज से आते हैं वजनदार व्यक्ति आते हैं WWE की फाइट लड़ने के लिए। ठीक है, बार हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फिर इंटरनेट पे भी देखते हैं, या
आम जनजीवन में भी देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो काफी तंदुरुस्त होते हैं, उनकी तोंद काफी निकल जाती है, और जब वो हंसते हैं तो उनका पेट भी हिलता है, ठीक है। तो उस संदर्भ में ये बात, ठीक है। और किस संदर्भ, किसके विषय में कही गई है ये बातें? ये बातें पान वाले के संदर्भ में कही गई है। आगे चलिए, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बत्तीसी होता है ओपनली टीथ, यानी कि खुले दांत, खुले जो दांत होते हैं, दिखाकर, दिखाना मूल क्रिया है, कर इसमें सब जोड़ दिया, कर या करके अगर जोड़ देंगे तो कौन सी क्रिया बन जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की, जैसे संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है, और कृदंत क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से जो रचना या बनावट के आधार पर जो क्रिया करेंगे, हम अभी चलेंगे पद परिचय में, न्यूटन सेक्शन को तो मैंने कराया भी था कुछ हद तक, पद परिचय उसमें शायद क्रिया वाला पोर्शन हो भी चुका था। तो ये रचना या बनावट के आधार पर 7 तरह की होती है, और क्रम के आधार पर 2 तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है भाई। और फिर सकर्मक भी 2 तरह की होती है और अकर्मक भी 2 तरह की होती है, ये बाद में बातें करेंगे। अब इस जो दिखाकर मूल शब्द, दिखाकर जो शब्द है, इसमें आप कौन सी क्रिया लिखोगे? इसमें लिखोगे पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया लिखोगे? पूर्वकालिक क्रिया, ये पहचान है, क्योंकि जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के साथ क्या कौन कौन से शब्द जुड़े हो, या तो कर शब्द जुड़ा हुआ हो या करके जुड़ा हुआ हो, तो ये सोच लीजिएगा, वहां पर आंख मीच कर अंध भगत होकर आपको क्या कर देना है? पूर्वकालिक क्रिया कर देना है, ठीक है भाई। पद परिचय में आएंगी ये सभी बातें। चलिए आगे चलते हैं। कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। चेंज करना अंग्रेजी शब्द है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि लेखक ने अंग्रेजी के साथ अपनी भाषाशैली में प्रयोग किया है, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। चेंज, चेंज यानी कि बदलना, परिवर्तित कर देना, बदल देना। आगे पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक, ग्राहक कौन होता है? ग्राहक या खरीददार। उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े चौखट चाहिए का मतलब क्या हो गया? चौड़े फ्रेम वाला, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। अब आगे देखिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से यानी कि कहां से लेकर आएगा कैप्टन? तो उसका, तो उसको मूर्ति वाला दे, उस तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति वाला दे दिया यानी कि उसे ने मूर्ति वाले को दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर, उधर से वहां पर, यानी कि वहां से मतलब है नेताजी की प्रतिमा पर, ठीक है, बिठा देना, बिठा देने का मतलब है लगा देना। अब इसमें पान वाले ने क्या समझाने की कोशिश की है उसको, हालदार साहब को, ये जब हालदार साहब ने पान वाले से सवाल जवाब करने शुरू किए, तो पान वाले ने यही बात उसे समझाने की कोशिश की है कि ये जो चश्मा, ये जो नेताजी की अपनी नेताजी की प्रतिमा है, इस पर प्रतिदिन जो चश्मा इसलिए बदल जाता है कि वो जो कैप्टन है ना, वो कैप्टन क्या करता है, जब भी कोई ग्राहक आता है तो वो उस प्रतिमा पर लगे हुए चश्मे को की ओर देखता है, तो वो क्या करता है कैप्टन, उस चश्मे को उतार कर, क्योंकि ग्राहक को वो चश्मा पसंद होता है जो नेताजी की प्रतिमा पर लगा होता है, वो हो सकता है कि उसे पसंद है, या फिर अपना गौरवान्वित होने के लिए, खुद को मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वो उसे प्राप्त करना चाहता हो ग्राहक उस चश्मे को। कई बार होता है ना, दिखावटीपन भी ज्यादा करते हैं, ये भी तो होता है ना, कई लोगों की आदत होती है, महापुरुषों के साथ उनकी
तलवार या भाले या फिर उनके साथ उनकी प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। दिखावटीपन आज के समय में कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें पान वाले ने इसको हालदार साहब को यही बात समझाने की कोशिश की है कि जब कोई भी ग्राहक वहां पर आता प्रतिमा के पास या उनके पास, तो वो क्या कर देते थे, चश्मा उतार कर उन्हें दे देते थे और नेताजी की प्रतिमा को बगैर चश्मे के वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका उनके लिए केवल थे नेताजी, ठीक है। तो इसलिए वो पान वाला क्या करता था, मैं बिना चश्मे के उस प्रतिमा को नहीं था, वो अपनी तरफ से एक चश्मा पर लगा देता था, ठीक है भाई। ये बात समझाने की कोशिश की किसने, पान वाले ने हालदार साहब को। आगे चलिएगा, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब कैप्टन के बारे में, ठीक है, तो ये कैप्टन व्यक्तित्व के संदर्भ में पूछे तो ये बातें बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से इनका अध्ययन करना। तो जिसका नाम कि बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत आहत मतलब होता है दुखी करना। मानव में ये अनुस्वार बिंदु लगा लेना भाई, क्योंकि इसमें अनुस्वार बिंदु नहीं लगी हुई है आपके पुस्तक में, ठीक है, तो अनुस्वार बिंदु लगा लेना इसमें। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की नेता असुविधा हो रही हो। असुविधा का मतलब क्या होता है, परेशानी। यानी कि चाह रहे हैं वो हालदार साहब कि ऐसा लगता है कि नेताजी को है ना बगैर चश्मे के प्रेस दिक्कत हो रही है, वो देख नहीं सकते बगैर चश्मे के, वो अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलिएगा, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। कौन फिट कर देता है एक फ्रेम, कैप्टन। किस संदर्भ में बात चल रही है, कौन सोच रहे है ये बातें हालदार साहब सोच रहे हैं। किस संदर्भ में, कैप्टन के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो बार बार उनकी प्रतिमा पर क्या देखते थे, किनकी प्रतिमा पर, नेताजी की प्रतिमा पर नया चश्मा देखते थे। और उस संदर्भ में वो जब उनके अंदर लालसा जागी जानने की हालदार साहब के, तो उन्होंने कैप्टन से उनके संदर्भ में जाना, किसके जो चश्मा बदलता है और नेताजी की प्रतिमा के संदर्भ में कि इनकी प्रतिमा पर बार बार चश्मा क्यों बदला जाता है, ये सभी बातें जानी उन्होंने। आगे चलिएगा, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। फिट कर देने का मतलब क्या बताया है, लगा देना। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। दरकार उर्दू शब्द है, दरकार का मतलब क्या होता है, इच्छा होना, इच्छा, किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है। जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से अक्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। ओरिजिनल अंग्रेजी वर्ड है, यानी कि मूल, हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल, वास्तविक चश्मा किधर गया। अब देखिए आगे देखिए, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। ठूंस चुकना, चुकने का मतलब है भर लेना, मुंह में पान ले लेना, खाना। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। किसकी तोंद थिरकी, पान वाले की। कत्थे की डंडी फेंक, कत्थे की डंडी क्या होती है कि पान में लगने वाला जो गहरा बुरा पदार्थ होता है ना, पान में लगने वाला जो वो चूना सा नहीं होता, वो एक पदार्थ होता है, उसको हम कत्थे बोलते हैं।
कत्थे, ठीक है, वो लाल लाल सा बुरा बुरा सा जो लाल रंग के उसमें पान पर जो लगता है ऊपर, जिससे कि मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है और जब वो थूकते हैं तो बिल्कुल ही लाल दिखाई देता है, उसको बोलते कत्थे। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक का थूकने का मतलब होता है, पीक का मतलब होता है पान को थूकना, पान को थूकना। थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने, ठीक है। आगे चलिए, आने वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और दर्वित करने वाली, चकित करना ये मुहावरा है। चकित करना क्या है? मुहावरे का प्रयोग किया गया है। चकित करने का मतलब होता है हैरान करना, और दर्वित करना, दर्वित करना होता है, वैसे तो तरल बोलते दर्वित को, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ देखें, पिंगलना या बाहू को जाना, बाहू को जाना। यानी, यानी का मतलब, मतलब कि वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था कस्बे का, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। ये सब कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है, किसके संदर्भ में? मोतीलाल जी के संदर्भ में, जब मोतीलाल जी ने नेताजी की प्रतिमा बनाई थी और उस चश्मे से संबंधित जो बातें हैं, ठीक है, यानी कि नेताजी की प्रतिमा के चश्मे से संबंधित। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। बारीकी चक्कर, चक्कर क्या होता है? कोशिश, प्रयास। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ उफ, ये संबोधन शैली है, विस्मयादिबोधक रूप में है ये सभी शब्द, ठीक है। आगे चलिएगा, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र क्या होता है? विचित्र होता हैरान करना, हैरान कर, हैरान भरा, हैरानी भरा, ठीक है। इन्हीं ख्यालों, ख्याल क्या आते हैं? विचार। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, चुकाकर में भी फिर कौन सी क्रिया होगी? चुकाकर में कौन सी क्रिया बताई थी अभी थोड़ी देर पहले? पूर्वकालिक क्रिया। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने। नतमस्तक, नतमस्तक होता है सिर झुकाना, सिर झुका लेना किसी के सामने, ठीक है, उसे नतमस्तक बोलते हैं। आगे चलिएगा, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? भूतपूर्व यानी कि पुराना। अब हालदार साहब के मस्तिष्क में जो सवाल था कैप्टन से संबंधित था कि वो तो अभी तक यही सोच रहे थे कि वो जो चश्मा बदलने वाला जो कैप्टन है वो किसी न किसी सेना का सैनिक है या फिर आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है जो नेताजी के साथ आंदोलन में साथ साथ चल, जिन्होंने काम किया होगा। ऐसी विचारधाराएं, ऐसी धारणाएं वो अपने मन में बना रहे थे। कौन बना रहे थे? हालदार साहब। किसके प्रति बना रहे थे? वो जो कैप्टन था जो मूर्ति पर चश्मा बदल देता था। अब देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, रोककर में फिर पूर्वकालिक क्रिया है, रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर, मुस्कुराकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया है, बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब
ये व्यंग्य किया है, टोंट मारे है, टोंट लगाया है किसने, पान वाले ने, किस पर, उस कैप्टन पर, उस बेचारे कैप्टन पर जो किसका मान, महापुरुषों का मान सम्मान करता है, जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, जो लंगड़ा है लेकिन फिर भी नेताजी की प्रतिमा पर प्रतिमा को बगैर चश्मे के नहीं देख सकता। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है इस पंक्ति का, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये देखिए, हालदार साहब के मन में जब नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाने वाले के प्रति जो आदर सम्मान था, वो आदर सम्मान के संदर्भ में हालदार साहब जानना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन नहीं है, किसको 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 पता चला, हालदार साहब को, क्योंकि हालदार साहब के मन में क्या था, चश्मा लगाने वाले के प्रति जो चश्मा लगा रहे थे उनके प्रति आदर सम्मान था, रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट कर रहे थे उस व्यक्ति का। अभी तक उन्हें ये बातें नहीं मालूम थी कि वो फौज में है या नेताजी के साथ उन्होंने काम किया है, ये बातें उन्हें अभी तक मालूम नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब उन्हें ये बातें पता चली कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था, तो चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था, तो उन्हें लगा कि कोई नेताजी का कोई साथी होगा, या फिर इसमें क्या नाम है, नेताजी के, या फिर किसी सेना का सैनिक होगा, या फिर किसी सेना का सैनिक होगा। लेकिन पानवाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, फौज में पागल है, पागल है, ठीक है। तो इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है, वो तो लंगड़ा व्यक्ति था। कौन था लंगड़ा व्यक्ति, जो कैप्टन था, और कैप्टन कौन, जो मूर्ति पर चश्मा बदलता था, ठीक है। और इस तरह से पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता था। एक वही व्यक्ति था जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को हमेशा पूरा किया है, और उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं था, उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए था, उसे तो कोई ना कोई तरकीब चाहिए थी। यदि इस प्रकार से ऐसे लोग देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोग, संदेश है ये हम सभी के लिए, अगर इस प्रकार के लोग आपको भी मिलते हैं, अगर आपसे भेंट होती है इस प्रकार के लोगों की, किस प्रकार के लोगों की, पान वाले जैसे लोगों की, तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का कोई अधिकार नहीं होता। कैप्टन जैसे व्यक्तित्व का, कैप्टन जैसे व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति इस देश में बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं जिनके हृदय के अंदर क्या होती है, देश के प्रति जो कर्तव्य भावना है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है। इस प्रकार से मैं तो सिर्फ एक ही बात मानूंगा, मैं तो इस पंक्ति के माध्यम से एक ही बात, एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं। मुझे तो इस प्रकार से ये जो पान वाले ने कैप्टन का की जो हंसी उड़ाई है, ये हंसी उड़ाना उचित नहीं है, मुझे तो ये उचित नहीं लगा, आपको भी शायद ये बातें उचित नहीं लगी होंगी, ठीक है भाई। तो ये बात इस प्रकार से इस पंक्ति का ये अर्थ है, ठीक है। आगे चलिएगा, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उन्हें हालदार साहब को ध्यान से देखा, ये पंक्ति पढ़ चुके हम, उन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल है, वो देखो जो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो 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 छपवा दो और उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर में फिर से पुरोकालिक क्रिया है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक रहना मुहावरा है, अवाक रहने का मतलब होता है हैरान रहना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी
अब उसका कैप्टन का जो व्यक्तित्व है, अगर कैप्टन का व्यक्तित्व पूछा जाए, कैप्टन का चरित्र आपसे पूछा जाए पेपर में, तो ये पंक्तियां जो जिनका भी अध्ययन करेंगे ये आप उसमें लिख सकते हो। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, संदूकची क्या होते हैं, कुछ सामान रखने वाली जो ये डेंची टाइप में होते हैं, ट्रक टाइप में होते हैं संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। वास्तव में वो जो कैप्टन था वो कोई कैप्टन कुप्टन नहीं था, वो तो एक टांग से लंगड़ा था, बूढ़ा था, मरियल था और गांधी टोपी उसके सिर पर रहती थी, आंखों पर काला चश्मा लगाता था और हाथ में एक संदूकची रखता था और साथ के साथ में बहुत सारे चश्मे रखता था, ठीक है। और इस तरह से वो प्रतिदिन फेरी लगाया करता था, ठीक है, फेरी का काम करने वाला था, वो फेरी वाला था, ठीक है, चलिए। लेकिन उसके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आगे चलिएगा। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ना हैरान होना, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बेचैन होना परेशान होना, काम भी, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, बैठकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया है। दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ लक्षण देने के लिए, कौतुक होता है हैरानी और प्रफुल्लता होती है खुशी। आगे चलिएगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, अधिकांश होता है अधिकतर, ज्यादातर। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। अब पान वाला क्यों उदास हो गया था, ये बात क्यों कही है, क्योंकि अब जो चश्मा बदलने वाला था कैप्टन था, वो फेरी वाला, वो अब मर चुका था, वो उसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है भाई। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया, अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर यानी कि देकर, चुकाकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया, जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। कौम होता है जाति, क्वेश्चन बन जाएगा ये, फिर बाद में बताऊंगा। होम कर देना, बलिदान कर देना और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, बिकना खुद अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हृदयस्थली क्या होता है, बीच का जो मुख्य स्थान होता है, जो चौराया होता है, उसको हृदयस्थली बोलते हैं, उसे हृदयस्थली, यानी कि वहां पर हृदयस्थली क्या था, वो जो चौराया था जहाँ पे नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और प्रतिष्ठापित का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा,
क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे नहीं, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चुराए चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से तेज 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 कदमों में ये क्या नाम पद परिचय अगर करेंगे तो उस समय पद परिचय करते समय हम ये जानेंगे कि ये अविकारी के अंदर आता है, अविकारी के अंदर, ठीक है। जो कालवाचक जो उसकी तेज तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, ठीक है, उसकी क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया है, ठीक है भाई। कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसे उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में खड़े हो जाना, सावधानी की स्थिति में खड़े हो जाना। अटेंशन में क्यों खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा फिर से उनकी मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था जो बच्चों ने लगाया था, ठीक है, इसलिए वो टेंशन में खड़े हो गए थे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा क्या होता है, एक प्रकार की घास फूस होती है, उसको सरकंडा बोलते हैं। जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हैं, भावुक होना यानी कि कोमल भावना उनके अंदर पैदा हो गई थी। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी, आंखें भरना मुहावरा है, आंसू आ जाना। ये आपका अध्याय था, ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब आप जल्दी से, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिएगा।